आ जाओ। ताईजान, आज खाने में क्या बनाऊं? हाँ, ऐसा करो कि दोपहर के लिए दाल गोश्त और चावल बना लो और रात के लिए 2-3 डिशेस बना लेना। भैया, आज हमारे दामाद जी आ रहे हैं बहुत अरसे के बाद, खाना बहुत लजीज होना चाहिए। हाँ, इम्तियाज को खिलाओ, पालक गोश्त और कोफ्ते बहुत पसंद है, वो लाजमी बनाना। और हाँ, मीठे में जर्दा भी बनाना, बड़े अरसे से जर्दा नहीं खाया। ठीक है। देखा आपने, कैसे मुंह बना के चली गई। भाई क्या कर सकते हैं, रुदाब साहब का हुक्म है कि इसे कोई काम ना करवाया जाए, डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। बेड रेस्ट के अलावा और करती क्या है वो? याद है जब मेरी नीनी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल में रहती थी, पूरे 15 लोगों का खानदान था और मैं अकेली खाना बनाने वाली। यहाँ पर इसकी सिर्फ 6 लोगों के लिए खाना बनाते हुए जान निकलती है। पता है क्या, मुझे तो लगता है कि इसने ना उस लेडी डॉक्टर को पैसे खिलाए हैं, तभी तो वो हर रोज आ जाती है इसका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और जाते हुए रुदाब को नसीहतें कर जाती है कि इसे कोई काम ना करवाया जाए, बेड रेस्ट पे रखा जाए। सबकी सब ड्रामेबाजी है इसकी। ऐसे अम्मी, जाके देखे जरा कर क्या रही है। भाई मैं नहीं जा सकती, मुझे ना उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, तुम जाओ खुद ही देख लो जाके। देखती हूँ इसे जाके, मैडम कर क्या रही है। मैं पुलाव के लिए यखनी रख देती हूँ, तुम सब्जी बनाकर कोफ्तों के लिए कीमा पीस दो, और हाँ जर्दे के लिए चावल भी निकाल दे। ठीक है, चलो जाओ। जमीला, तुम आओ जरा अम्मी के पांव दबा दो। लेकिन मैं तो अभी काम करवा रही हूँ। काम बाद में हो जाएगा, मिशाल आके इसकी हेल्प कर देगी। तुम अम्मी के पैर दबा दो और उनके 2-4 कपड़े भी इसी कर देना। ओके जी, ठीक है। देख भाई परवीन, ये लड़के जो तोहफे वगैरह देते हैं ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं होती। अगर ऐसी बात होती तो अब तक अपनी माँ को रिश्ता देके भेज चुका होता। सच कह रही हो अम्मा? अम्मा ये बात तुम अपने तजर्बे से कर रही हो। तो और क्या, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, यही देखती चली आ रही हूँ। अम्मा आज उसने की है ना शादी की बात, रिश्ता भी भेज देगा, क्या मसला है तुम्हें? भाई मेरे दिल में तो अजीब वसवसे पैदा हो रहे हैं, जल्दी आए शादी की बातचीत कर ले। देख तेरे बाप को अगर पता चल गया ना कि तू उससे चीजें वसूल रही है, तो तेरी तो गत बनाएगा, साथ में मुझे भी कब्र में डाल देगा। पता नहीं ये हो क्या रहा है। अम्मा तुम हर वक्त क्यों डरती रहती हो अब्बा से? हाँ कुछ नहीं होगा, उसकी अम्मी अमेरिका गई हुई है, अब्बा के आने तक वो भी आ जाएंगी, फिर रिश्ता भेज देगा वो, उसने वादा किया है। अरे तो अमेरिका बाद में जाके मरती ना, पहले यहाँ आती। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हो गया। मैं कहती थी ना मुझे अंग्रेजी सीखने दो, थोड़ी सी अंग्रेजी सीखी है, इतना अच्छा रिश्ता आ गया। शुक्र है पूरी अंग्रेजी सीखती तो कोई बादशाह ही आता तुझसे शादी करने, अब अंग्रेजी पे शादियां हो रही हैं, अल्लाह माफ करे। तो मैं तो कहती हूँ तुम भी सीख लो। मैं मुझे क्या करना सीख के, इस उम्र में क्या शादी करूंगी मैं बेगैरत कहीं की। हाँ छोड़ इन बातों को, रात की तैयारी कर, शादी पे जाना है। किसकी शादी है अम्मा? अरे जहरा की बहन की शादी, और किसकी शादी, तुझे सुबह बताया तो था। रहने दो मुझे नहीं जाना उन लोगों में। तौबा तौबा, याद है भाभी की दफा बारात पे क्या किया था? हाँ हमारी नाक कटवा दी थी, हॉल भी बुक नहीं कराया शादी का, वही सड़क के ऊपर टेंट लगा दिए थे। तौबा, इतनी बेइज्जती हुई थी हमारी। हाँ लेकिन मेरी तारीफ भी बहुत हुई थी, सब ने कहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, शाकरा किस कदर नेक औरत है, गरीब घर की लड़की को ब्याह के ले गई है, मिसाल कायम की थी मैंने। वैसे अब तुम्हारी बेटी मिसाल कायम करेगी, ऐसी ऊंची उड़ान उड़ूंगी कि तुम देखना सब देखते रह जाएंगे। ऊंची उड़ान ही उड़ना अच्छा, कहीं पटक न दे तुझे आसमान से नीचे ऊंची उड़ान। शादी की बात कर उस लड़के से, बस उड़ाने उड़ रही है। बस तुम बुरी बात ही करना। अरे तो तुझ पे मुझे भरोसा नहीं है ना, ना उस लड़के पे भरोसा, इतने दिनों से रुलता फिर रहा है, क्यों नहीं लेके आ रहा रिश्ता? भाई आ जाएगा अम्मा, आ जाएगा आ जाएगा। एमी तुझे बेवकूफ बना रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? दे मुझे, आपको मना किया ना डॉक्टर ने। विशाल ये क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ मैं। सफाई करना आपका काम नहीं है, जमीला कहाँ है? वो जल्दी चली गई थी, थोड़े से काम रह गए थे, सोचा मैं खुद कर लेती हूँ।
बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। चलें आप मेरे साथ ऊपर कमरे में चलें और रेस्ट करें। आपी क्या हुआ है? ताया जान प्लीज नीचे आए। आपी क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई थी। अभी गायनोकोलॉजिस्ट आई थी, वो चेक करके गई है, मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अम्मी लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे बैठे बैठे तो चक्कर नहीं आ सकता। अभी बताया तो है कि बेहोश हो गई थी, ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। प्रताप भाई आपको पता है ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आप ही घर का कोई काम नहीं करें। ऐसा कौन से काम किया उसने? सफाई तो जमीला करके चली गई थी और खाना तो शगुफ्ता ने बनाया है। ताईजान मैंने खुद देखा था आप ही को लाउंज की सफाई करते हुए। भाई जब मैंने एक मुलाजमा फुल टाइम रखी हुई है इस घर में, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे काम करने की क्या जरूरत। जमीला पूरे दिन के लिए इस घर में नहीं आएगी और हमारे घर में मुलाजमों के हाथ का खाना नहीं खाते। अगर तुम्हें इसके काम करने पर एतराज है तो खाना ही बनाना है, मैं खुद बना लूंगी। ताईजान आप क्यों परेशान हो रही है, मैं खाना बना लूंगी। तुम क्या बनाओगी, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई और अपनी शादी की तैयारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो उस डॉक्टर पे शक होता है जो हर रोज आती है और पता नहीं इसके कान में क्या पट्टियां पढ़ा के चली जाती है। सारी दुनिया की औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, सब औरतें बच्चे पैदा करती हैं, हमने भी किए हैं, पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है। तुम लोग पता नहीं कोई अनोखे उतरे हो आसमान से। वैसे अम्मा बारात का फंक्शन बुरा नहीं था, खाना भी अच्छा था। जहरा के वक्त में याद है ना, इतना बुरा खाना दिया था, वो शोरबे वाला कोरमा और फीके चावल, वो भी चने वाले, सारी बरादरी के सामने नाक कटवा दी। रहने दो अम्मा, जिस घर से बहू लाई थी यही होना था ना, एक से एक अच्छे खानदान के बड़े खानदान की लड़की थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तेरे कहने पे अगर बड़े घर की बहू लाती ना तो लाखों रुपए खर्च होते, वो अमीरजादी नाकू चने चबाती वो अलग। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। सुना है कि खाना लड़के वालों ने किया था। क्या लड़के वालों ने किया था? किसने बताया तुम्हें? राशिद बता रहा था, कह रहा था कि भाई बहुत अमीर लोग हैं, जायदादें भी उनकी अपनी हैं, घर भी अपना है और एक छोटी सी गाड़ी भी है। वैसे बड़ी बेशरम है ये भाभी के घर वाले, बारात का सारा खर्चा भी उनसे करा लिया। तौबा तौबा। और तुम किस गाड़ी की बात कर रही हो अम्मा? वो सारे कदीमा खटारा है वो खटारा। अच्छा हुआ मेरी जान छूट। अरे तुमने देखा था उनके उनके हुलिये देखे थे, एक से एक पेंडू आइटम। शुक्र है मेरी जान छूट गई। चल तेरी तो जान छूट गई, लेकिन उसकी बहन के तो मजे हो गए, लॉटरी निकल आई उसकी, देख नहीं रही थी खुशी से कैसे चहक रही थी। रहने दो अम्मा, बहुत गर्मी थी वहां पे। बस मैं बता रही हूँ, अपनी शादी पे ना मैं वो एसी वाला हॉल होगा शादी वाला, और केटरिंग कराऊंगी मैं, आला किस्म का खाना होगा और सारी रस्में भी करूंगी मैं। हाँ हाँ जरूर करेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त तो आने दे, बस वो वक्त आएगा तो मैं अपने दिल के अरमान निकालूंगी। अब्बा तो एक पैसा नहीं निकालेंगे जेब से। अच्छा तो तेरा अब्बा नहीं देगा तो कौन मोहल्ले वाले कराने आएंगे तेरी शादी? हर वक्त बकवास करती रहती है मनहूस, नहीं तो ज्यादा आंखें ना दिखा मुझे। आपी आपके लिए सूप लेकर आई। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने खुद बनाया है आपके लिए और मैं ये आपको खिलाऊंगी जैसे आप बचपन में मुझे खिलाती थी। इतना सारा तुम्हें काम करना पड़ रहा होगा, बहुत थक गई होगी ना तुम। अच्छी बात है ना आपी, शादी से पहले मेरी प्रैक्टिस हो रही है, एटलीस्ट शादी के बाद ताईजान के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, सब खाने बना लूंगी मैं। और सुनो, शादी में बहुत कम दिन रह गया, तुम अभी से शॉपिंग शुरू कर दो, अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती। आप ही ताईजान ने इस बारे में अभी कोई बात नहीं की और ताईजान को भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो लग ही नहीं इस घर में कोई खुश है मेरी और रुहाब की शादी से। तुम और रुहाब तो खुश हो ना? बस मेरी बहन खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलें आप टेंशन नहीं लें, आप सूप पिए।
थोड़ा गर्म होगा, ठंडा होने दो, पी ले। आप पहले से कितनी ज्यादा बदल गई हैं। खूबसूरत तो आप पहले भी थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश भी हो गई हैं। आपको मालूम है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपकी किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासर किया था? किस चीज ने? आपकी सादगी ने, आपकी मासूमियत और आपके भोलेपन ने। आप बाकी लड़कियों की तरह बनावटी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू। तो मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। क्या? जी हाँ, तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे, शादी करोगे मुझसे? कहाँ जा रही है? वो मुझे नोट्स देने थे, अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, जितनी धूल झोंकने की झोंक चुकी, अब घर में बैठे। धूल? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझ पे पाबंदी लगा रहे हैं घर से निकलने की? तुमने क्या किया है तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर आज के बाद उस लड़के से मिली तो। मैंने आपसे कहा ना, मेरी दोस्त का कजन था, मुझे ड्रॉप करने के लिए आया था। आप एक शक किए जा रहे हैं और मैं वजाहते देते के तंग आ गई हूँ। और वैसे भी अब्बा ने इजाजत दी है मुझे पढ़ने की, और मैं जरूर पढ़ूंगी। आप कोई नहीं है पाबंदियां लगाने वाले। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इसी तरह की ड्रेसिंग किया करो, सूट करती है तुमको। थैंक यू। और मुझे आपकी ये तारीफ करने की आदत बहुत पसंद है। और मुझे तुम्हारे शर्माने की आदत बहुत पसंद है। खूबसूरत लगती हो शर्माते हुए। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी यहाँ से मेरे घर जा रहे हैं। घर वालों से मिलवाने? नहीं, फिलहाल घर वाले तो अमेरिका में हैं। आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा, वो घर जहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। तो क्या हम अलग रहेंगे? ऑफ कोर्स यार, यू नो जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ये सिस्टम पसंद नहीं है, बहुत मसले हो जाते हैं। आप देखिएगा मैं शादी के बाद घर को कैसा सजाऊंगी, आप देखते रह जाएंगे। चले मुझे दिखाएं घर। प्लीज। अरे हाँ, क्या कर रही हो यहाँ? कम तो ये है हमारा घर, कैसा लगा था? इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इसके लिए तो बहुत सारे नौकर चाहिए होंगे ना? ऑफ कोर्स। हाय अल्लाह, कितना बड़ा किचन है! ऐसा किचन तो मैंने सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा है। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे एक खानसामा चाहिए। अरे भाई देखो, तुम्हारा अपना घर है, इसे जैसे चाहो तुम सजाओ। अच्छा ये बताओ, कॉफी पियो? हाँ। अभी बनाता हूँ, एक मिनट। एक काम करो, तुम जब तक बाकी घर देखो मैं बॉटल कॉल रिसीव करके आता हूँ। ओके। हेलो, इतना बड़ा घर, इतना आलीशान घर तो मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था। ये सब कुछ मेरा नसीब बन सकेगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
बस यार ये गरीब और घरेलू लड़कियां जो होती है ना बहुत चिपकू टाइप होती है, इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हाँ अब यहाँ घर लाने के लिए उसे शादी के सबसबाग तो दिखाने ही थे ना यार, तू तो जानता है ये मिडिल क्लास लड़कियां खुद को बहुत सीधी और शरीफ जाहिर करने में लगी रहती। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आ। अरे बात तो सुनो मेरी। चलो मेरा, तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है मैंने। झूठे फरेबी बकवास कमीने, मुझसे तुमने झूठे वादे किए मोहब्बत के, शादी के। मैंने तुम पे इत्तेफाक किया, मुझे बहला फुसला के इस काम के लिए इस घर में लेकर आए हो। तुम क्या समझते हो तुम मुझे फंसाओगे और मैं फंस जाऊंगी? अपनी इज्जत तुम्हारे जैसे कमीने आदमी के लिए दांव पे लगा दूंगी। अरे पड़ी आई इज्जत की बात करने वाली, अगर इतनी इज्जतदार होती ना तो मेरे एक इशारे पे यहाँ चली नहीं आती। चलो पड़ती, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कदम चल। क्या हो गया है परवीन? अब बेटा जब से तू घर आई है ना बात कर रही है, ना कुछ खा पी रही है, ना बोल रही है, ना मुंह से कुछ फूट रही है। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं अम्मा, मेरी तबीयत खराब है, जाओ यहाँ से। अच्छा तू उस लड़के से मिलने गई थी ना, कब लेके आ रहा है वो अपने घर वालों को? अरे कहीं उस लड़के ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? कितने अरमान थे मेरे कि किसी ऊंचे घर में मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन तेरे तो नसीब ही खराब है परवीन। जाओ अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है, जाओ यहाँ से। अरे देखा ना, मैं तुझे कितना समझाती थी कि हर ऐरे गैरे पे इत्मार ना किया कर, लेकिन तू तो समझने को राजी नहीं थी। मेरी बातों का तो तुझ पे कोई असर ही नहीं हुआ। देख ले ये दोस्तियां कैसी मुसीबत बन जाती हैं। अल्लाह मियाँ, दुनिया जहान की बेटियों की शादी हो गई, एक मेरी बेटी बदनसीब। या अल्लाह कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे ताकि ये भी अपने घर की हो जाए। ये लीजिए, आपने जो कहा था ले आई हूँ मैं अम्मी जान, और इसकी मैंने मिशाल के साइज की फिटिंग करवा ली है। मेरे ख्याल में उसे पूरा आ ही जाएगा, लेकिन बस ध्यान रखना कहीं उसे पता ना चल जाए। किसकी बात कर रही है? रुहाब की। अम्मी इतना मासूम सा तो भाई है मेरा, उसे कैसे पता चलेगा? वैसे मैंने ये बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनवाया था, बहुत महंगा बना था। अम्मी जान आपके कहने पर मैं उठा तो लाई हूँ, लेकिन अगर रुहाब को पता चल गया ना कि मैं उसकी बीवी को अपना पहना हुआ कपड़ा दे रही हूँ तो मेरी तो उस घर में एंट्री बैन हो जाएगी। ये घर तुम्हारे भाइयों का नहीं है बल्कि हमारा है, और हमारे होते हुए तुम्हारी एंट्री यहाँ कोई बैन नहीं कर सकता। शामीम की दफा तो मैंने थोड़ा बहुत दिल बड़ा करके खर्चा कर भी लिया था, लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। बस अम्मी जान अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे मॉल जाना है अपने लिए शादी का ड्रेस लेने के लिए, और मैं कोई एक्सपेंसिव सा ड्रेस लूंगी, वो मुझे आप दिला रही हैं। अच्छा भाई ठीक है ठीक है। इसको मैं क्या करूँ? इसको रख दो अंदर ड्रेसिंग रूम में। ठीक है ठीक है, मैं रख। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आप ही, बस दिल बहुत उदास हो रहा है।
मैं हूं ना तो फिर दिल क्यों उदास हो रहे हैं? डैड की बहुत याद आ रही, कितने अरमान थे उनके हमारी शादी को लेके, बहुत जल्दी छोड़ के चले गए हमें। खाना क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं। कहाँ उड़ गई तेरी भूख? आजकल की लड़कियों को तो डाइटिंग का भूत सवार रहता है। क्या जरूरत है डाइटिंग करने की हैं? अरे शकल देखो कैसी हो गई है, इतनी सी निकल आई है भूख मर मर के। जरा अपनी भाभी को देख, खा खा के कैसी चर्बी चढ़ा ली है। उसके अपने मैके में तो ये अय्याशियां नहीं है, यहीं आके इतनी तगड़ी हो गई। तभी उनके घर जाओ ना तो पानी से भरी दाल और पानी से भरा हुआ आलू गोश्त रख देते हैं सामने। अल्लाह माफ करे तो। बस कर दिया, खाने की मेज पे बैठ के दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मजाक नहीं उड़ा रही, जो हकीकत है वो बता रही हूँ। आजकल तू बड़ा चमचा बना हुआ है अपने ससुराल वालों का। खैर क्या पिला दिया तुझे घोल के है? बड़ा आया खा लड़की, खा सही से खाना। बस यार ये गरीब और घरेलू लड़कियां जो होती है ना बहुत चिपकू टाइप होती है, इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हाँ अब यहाँ घर लाने के लिए उसे शादी के सब्जाग तो दिखाना ही थे ना यार। तू तो जानता है ये मिडिल क्लास लड़कियां खुद को बहुत सीधी और शरीफ जाहिर करने में लगी रहती। बड़ी बेवकूफी की आपने और इसने, बिना सोचे समझे आपने रिश्ते को ठुकरा दिया। जहरा की बहन वहां पे ऐश कर रही है, कल वो भोर बन जा रहे हैं। 5 स्टार में उसने बुकिंग करवा दी। भोर बन? मुझे तो यकीन नहीं आता, बकवास है ये सब। जलो, खूब जलो। मैं क्यों जलूं? जले मेरी जूती, और तुम्हारी बेगम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई, झूठ बोलती है। शोशा छोड़ा है उसने हमें जलाने के लिए, और कोई बात नहीं है, बकवास है ये सब। झूठ नहीं बोल रही वो, मेरी खुद बात हुई उसकी बहन से। रहने दे भाई, तेरी बीवी के बैके वाले जो है ना झूठ बोलने में नंबर वन है, सदाकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बताओ वो स्टेशनरी की दुकान चलाने वाला लड़का 5 स्टार कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ख्वाब में नहीं, वो हकीकत में जा रहा है। ख्वाब देखने का शौक तो आपकी बेटी को है, इसे कहेंगे बिला वजह रिश्ते को ना ठुकराए, वरना बहुत पछताएंगे आप दोनों। अरे भाई तुम्हारा मसला क्या है, हर बात का इल्जाम तो मुझ पे क्यों लगा देते हो? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इससे मेरा क्या कसूर है? कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो हाँ करूंगी ना। स्टेशनरी वाला देखा आपने, इसकी बदतमीजी और चिड़चिड़ापना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसकी जब तक शादी नहीं होगी ना, ये इसी तरह हमारा दिमाग चाटती रहेगी। आप किसी रिश्ते वाली से बात करें और जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता देके इसकी शादी करवाएं और जान छुड़ाएं इस मुसीबत से। अरे भैया मुझे तो लगता है कि तेरी बहन पे ना किसी ने कुछ पढ़ पढ़ा दिया है। कितनी बार मैं इसे आमिल के पास लेके गई, लेकिन कमबख्त जो वो बताते ना पढ़ती पढ़ाती है नहीं। तू कोई अच्छे आमिल का पता कर तो मैं इसे लेके जाऊं। अरे मैं कहां से पता करूं, इन चीजों का आपसे ज्यादा किसको इल्म होगा? और कहां गए वो आपके खानदानी पीर? अरे बहुत अच्छे थे वो पीर साहब, इसे कितनी दफा वहां लेके गई, उन्होंने जो कुछ बताया इस निकम्मी ने ना पढ़ा ना उस पे अमल किया। इस बार ना किसी अच्छे आमिल के पास इसे लेके जाऊंगी। तुम्हें पसंद आया? मैं मिशाल के लिए लेकर आई हूं। और ये माइयों का भी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, इधर आओ, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। ये देखो तुम्हारी दुल्हन के जोड़े आ गए हैं शादी के, तुम्हारी बहन लेकर आई है आजी बुटीक से। जिस डिजाइनर से मैंने अपने लिए बनवाया था ना उसी से बनवाया है, ये शादी का है और ये मायों का। तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए?
शादी हमारी हो रही है और शॉपिंग तुम कर रही हो अपनी मर्जी से, किससे पूछकर? ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? आजकल किस टोन में बात कर रही हो तुम इसके साथ? अम्मी जान आपने आज नोट किया है, मैं तो बहुत दिनों से इसका ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मत किया करो ना, क्यों आती हो यहाँ पर दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने? रुहाब, हाँ जितने गुस्से में क्यों तुम? आप जानती है मेरे गुस्से की वजह। इसने कहा शादी सादगी से करो, मैंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जो करना चाहे करती रहे। अगर शादी की शॉपिंग ही करनी थी तो मिशाल को ले जाती अपने साथ, वो अपनी मर्जी से अपनी शादी का शॉपिंग कर लेती। ओह अच्छा, तो असल मसला ये है कि मोहतरमा अपनी पसंद का ड्रेस लेना चाह रही है। तो इसमें बुराई क्या है? आजकल लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी शादी की शॉपिंग करती हैं। ये पसंद वाले नखरे अपने माँ बाप के घर में अच्छे लगते हैं, और इन बेचारियों का तो कोई मैका है ही नहीं। अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? भाभी का और मिशाल का मैका और ससुराल यही है। अरे पीर साहब ने मुझे बताया कि तुझ पे तो कोई बंदिश हुई हुई है, और हो ना हो ये तेरी उस भाभी का कमाल है, उसी ने तावीज करवाए तुझ पे। मैं भी ऐसा जलाली अमल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद करेगी। अरे छोड़ो अम्मा, क्या तुम ये हर वक्त भाभी का बोरिंग टॉपिक लेकर बैठी रहती हो? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, सत्यानाश ही कर देती हो मूड का। तूने फिर शुरू कर दी अंग्रेजी, ये मेरे सामने ना अंग्रेजी ना झाड़ा कर, ना मेरी समझ में आता है और ना मैं कुछ कर सकती हूँ उसके बाद। पता नहीं ये हो क्या रहा है इस घर में। वैसे अम्मा ये जो बुजुर्ग हमारे बाबा जी है ना, ये बड़े काम के बंदे हैं, एक एक बात ठीक बताई उन्होंने मेरे बारे में। उनकी बातें सुनकर ना मेरे दिल में ना फिर से उम्मीद जाग उठी है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिससे मेरी शादी होगी ना उसका नाम आर से शुरू होगा। अब देखो ना, रुदाब रुहाब इन्हीं में से किसी के साथ होगी मेरी शादी। तूने फिर वही बकवास शुरू कर, तेरी सुई वहीं अटकी हुई है। अरे दुनिया में मर्द खत्म हो गए क्या? बस बस मुझे नहीं आजमाना आप किसी को, मैं तंग आ चुकी हूँ। पागल हो गई है तू, रुदाब शादीशुदा है और बच्चे का बाप बनने वाला है, और रही बात रुहाब की तो उसकी भी अगले हफ्ते शादी। शादी है, अभी हुई तो नहीं है ना। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है? अरे मतलब छोड़े, चले फूफो की तरफ चलते हैं। दफा कर, मैं नहीं जाती, खामखा वहां जाके जी जलाना हो। चलो ना अम्मा, जिद ना करो, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो ना। सच कहता है तेरा भाई, तू बिल्कुल पागल हो गई और अपने साथ साथ हमें भी पागल कर देगी। बस मान लिया करो ना कभी मेरी बात। दफा कर उसे, नहीं जाती मैं। अरे मैं नहीं जाती। चलो चलो कपड़े बदलो, तैयार हो। भाभी आज तो आपने बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। अरे क्या करें, घर में इतनी मसरूफियातें, कई दफा सोचा आने के लिए लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हाँ भाई, हमारे घर आते हुए तो हमेशा कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती है आपके, वरना हम तो आपको बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं, जानती ही हैं आप। कौन बात कर रहे हैं? अरे हम तो मसरूफियतों के बावजूद भी तुम्हारी तरफ आ ही जाते हैं, मगर तुम अपनी बताओ, कभी हमारे घर में कदम रखा है? अम्मा ये क्या शिकायतें शिकवे लेकर बैठ गई हो? पुप्पो मैं जानती हूँ हमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो मैं अपनी पुप्पो के घर बिना झिझक आ जाती। अरे झिझक होनी भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारी पुप्पो का घर है। वही आपकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती है, वरना तो मुझे तो घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं है और ना ही इजाजत, सारा दिन तो मेरा कामों में गुजर जाता है। अरे जहरा तुम्हारी मदद नहीं करवाती? किसका नाम ले लिया तुमने? अरे जहरा तो इंतहाई फुअड़ और बदसलीका औरत है, कहां से मेरे मत्थे लग गई? ये मैं हूं जो उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई और होता ना तो लात मार के बाहर निकाल देता। चल दफा करो, तुम बताओ शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची? हाय भाभी क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। शगुफ्ता तो कल ही चली गई अपने घर, शामीन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कह दिया है, और बाकी रह गई ये लड़की, इसे तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई और किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप फिक्र ना करें पप्पू, मैं आ गई हूँ ना, मैं करूंगी आपकी मदद, सब संभाल लूंगी। तुम्हारा शादी का जोड़ा बन गया? जी आ गया। फिर दिखाओ ना। अरे तो जाओ ना बेटा, अपने कमरे में ले जाओ और दिखाओ शादी का जोड़ा इन्हें। चलो जाओ जाओ। ये जोड़ा कितना अच्छा है, अच्छा काम हुआ है, किसी बड़े डिजाइनर का लगता है, रंग कितना अच्छा है। लेकिन अरे ये तो फटा हुआ है, यहां से भी उधड़ा हुआ है, ये देखो ये सारा धागा निकल रहा है, ऐसा क्यों? अरे ये तो शगुफ्ता का जोड़ा है जो उसने बारात में पहना था। शगुफ्ता ने अपना पुराना जोड़ा तुम्हें दे दिया?
चलें हम लोग नीचे चलते हैं, खाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी कहाँ वक्त हुआ है। क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? वो बस खुद ही कट गया। चले हम नीचे चलते हैं। सुन लो तुम फोन, रोहाब की कॉल होगी, मेरी वजह से तुम बात नहीं कर पा रही, मैं जाती हूँ, तुम आराम से बात करो। ऐसी कोई बात नहीं परवीन। कोई बात नहीं, करो आराम से बात। हेलो हमाद, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे फ़ोन करके तंग कर रहे हैं? आपकी मोहब्बत की राग मैं बहुत सुन चुकी हूँ, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब आपने मुझे कॉल किया ना तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूँगी। मिशाल, मैं जानता हूँ कि मेरी बदनसीबी है कि तुम मेरी नहीं हो सकती, मेरी मोहब्बत एक तरफा है। हमारी शादी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, मगर हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। देखो मिशाल, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी तंग नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा, बस मुझे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। मिशाल तुम सुन रही हो ना? दो दिन के बाद तुम मायों बैठ रही हो और तुम्हारे चेहरे पर खुशी के कोई तासुरात नहीं है। रुहाब से मोहब्बत करती हो ना, तो खुश क्यों नहीं हो? मोहब्बत तो आप भी करती हो रुदाब भाई से, तो फिर आपके चेहरे की खुशी कहाँ गई? हर वक्त आपका चेहरा उतरा उतरा रहता है, खुश तो आप भी नहीं आप भी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? झूठ बोल रही हैं आप। अपने चेहरे पे ये मास लगा के अब रुदाब भाई को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। रुदाब भाई की बेरुखी ने और ताईजान के रवैये ने आपकी मुस्कुराहट ही छीन ली है। तुम रुदाब को जैसा समझ रही हो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रुदाब भाई ताईजान से बहुत दबके रहते हैं, वो तो उनकी मर्जी के खिलाफ सांस भी नहीं ले सकते। आप ही, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए। मुझे तो लगता है बाबा ने हमें यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती की, उनका यह फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था। काश हम वहीं रहते, एटलीस्ट अपनी मर्जी से जी तो सकते थे ना। डैड का फैसला बिल्कुल ठीक था, और वहाँ पर हम किसके साथ रहते? यहाँ पर हमारे अपने हमारे साथ हैं। ताईजान का रवैया थोड़ा सा रूड है, मगर थोड़ा सा रूड आप ही, वो हर वक्त हमसे इतना मिसबिहेव करती हैं। उनकी आंखों में इतनी नफरत है हमारे लिए, और जब बात करती है ना तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है किस कदर जहर भरा हुआ है उनके दिल में हमारे लिए। मैं तो चाहकर भी ये सब कुछ नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ तो परफेक्ट नहीं मिलता ना। ताईजान का रवैया अगर बुरा है तो क्या हुआ, तायाबू तो इतनी मोहब्बत करते हैं ना हमसे। और रुहाब के बारे में तो तुम खुद ये कहती थी कि वो तुम्हारा आइडियल है, तो फिर किस बात की फिक्र है आप ही? मैं रुहाब को चाहती हूँ ये एक फैक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे अपने फैसले पे बहुत रिग्रेट हो रहा है। मैंने सोचा था रुहाब से शादी के बाद मैं प्यार और मोहब्बत से सबका दिल जीत लूँगी, मगर ये नामुमकिन है आप ही। इंसान की आदतें बदली जा सकती हैं, फितरत नहीं। और ताईजान के दिल में जो हमारे लिए नफरत है ना, हम लाख कोशिश भी कर लें वो ख़त्म नहीं हो सकती। ताईजान मिजाज की कड़वी ज़रूर है, मगर दिल की बुरी नहीं है। यूँ किसी के इंसल्ट करने से तो बेहतर है इंसान दिल का ही बुरा हो। पहले मुझे ताईजान और शगुफ्ता की नफरत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब हो गया। आपको पता है आप ही, शगुफ्ता ने ताईजान से लाखों रुपये लिए थे मेरी शादी के जोड़े के लिए, और क्या किया उन्होंने, अपना पुराना जोड़ा मुझे ऑल्टर करा के दे दिया। क्या? और सबको क्या कहती फिर रही है कि किसी डिजाइनर से बनवाया मेरी शादी का जोड़ा।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आप कौन बात कर रही हूँ? मैं जो कोई भी हूँ, इस बात को छोड़ो, ये बताओ क्या तुम वाकई मिशाल को चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो कि नहीं? देखें, आप कौन है और ये कहने का क्या मतलब है आपका? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी खैर खा हूँ। देखें, ये आप सब कुछ क्यों कर रही हैं और मेरा नंबर आपको किसने दिया? फजूल बातों में वक्त जाया ना करो, मिशाल की शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन काम बहुत राजदारी से करना होगा, समझे? वक्त बहुत कम है।